नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नवरात्रे के दूसरे दिन में। नवरात्रे उत्सव है 9 दिन का और ये उत्सव है एक यात्रा जो ना सिर्फ माँ देवी की है, ये यात्रा है हम सब की, हर जन की। मैं कहूँगी ये सिर्फ एक औरत की ना होकर, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो मूल आधार है जिससे ये जीवन बना है, हर वस्तु बनी है, और वो दो मूल आधार हैं, वो है पहला प्रकृति का और दूसरा पुरुष का। और ये दो तत्व हर जन में रहते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तो ये यात्रा है हर जन की जो अपने आप को जानना चाहता है, जो ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। तो ये सिर्फ माँ की यात्रा नहीं है, उस शक्ति की यात्रा नहीं है शिव को पाने की, ये यात्रा है हम सब की उस परमात्मा को पाने की। आज जैसे कि दूसरा दिन है और दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। माँ ब्रह्मचारिणी, ये जो शब्द है बना है दो शब्दों से। पहला शब्द है ब्रह्म, ब्रह्म बना है ब्रह्मन से। ब्रह्मन का अर्थ क्या है? ब्रह्मन जो परमात्मा है, जो अनंत है, अनादि है, जिसका कोई आकार नहीं है। और चारिणी का अर्थ होता है पथ। तो जो इस पथ पर चले उस ब्रह्मन को पाने के लिए, वो होते हैं ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी। माँ ने जैसे अपनी ये दूसरे दिन की जो यात्रा है वो रूपक है, कैसे वो एक पुत्री से अब वो ऐसी अवस्था में जा रही है जहाँ पे वो जानना चाहती है कि मैं कौन हूँ। और उनके भीतर सिर्फ एक ही इच्छा है, वो है उस परमात्मा को, उस शिव को पाने की। अगर हम अपनी बात करें दोस्तों, इस भौतिक जीवन की बात करें, तो हमारे भीतर जब हम इस युवा अवस्था में आते हैं, हमारे भीतर बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और वो इच्छाएं होती हैं कि मुझे कुछ जीवन में करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ पाना है जीवन में। और हम इसी भागदौड़ में रहते हैं, भौतिक वस्तुओं में हम अपने आप को उलझाए रखते हैं। जैसे कि हमें लगता है कि पहले मैं पैसे कमा लूं, मेरा घर बन जाए, तब मैं अपने आप को जानूंगा, तब मैं इस अध्यात्म के रास्ते पर चलूंगा। फिर होता है कि शादी हो जाए, फिर बच्चे हो जाएं, बच्चे सेटल हो जाएं, उनकी शादी हो जाए। और ऐसे करते करते दोस्तों जीवन ही रेत की तरह हमारे हाथ से निकल जाता है और हम जान ही नहीं पाते कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। पर माँ जो हमें बता रही हैं कि हमें इसी अवस्था में इन सारी ये जो इच्छाएं हैं, ये तो भौतिक इच्छाएं हैं, ये तो यहीं रह जाएंगी और ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य कुछ और है, वो है उस परमात्मा को जानना, अपने आप से जुड़ना, अपने आप को जानना। ये सबसे बड़ी पूर्ण इच्छा होनी चाहिए हमारी, एक शुद्ध इच्छा है अपने आप को जानने की। और माँ ने ऐसा ही किया, माँ ने अपने आप को जाना, माँ ने 5000 साल माँ ने तपस्या करी उस शिव को पाने की। उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे शिव को पाना ही पाना है, और उन्होंने वो तप किया, ध्यान किया उस शिव को पाने के लिए। और दोस्तों ये जो तप है, ये ध्यान है, अभी तो हम सोचते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में थोड़े दिन ही होते हैं, हमें लगता है अगर हमें इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है हम उसे छोड़ देते हैं, और कोई चुनौती आती है हम तब भी छोड़ देते हैं, हमें लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है, है ना। भौतिक जीवन में ज़्यादा अपने आप को उलझाए रखते हैं और सोचते हैं ये सब तो पीछे की बात है, फिर कभी और कर लेंगे। पर माँ का जीवन देखिए कि कितनी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया होगा,
कितने वातावरण बदलते होंगे, ऋतुएं आती हैं, बारिश आती है, ठंड आती है, पर उन्होंने तपस्या करना नहीं छोड़ा, धैर्य बना कर रखा। यही ब्रह्मचारिणी माँ हमें सिखाती है, धैर्य, कि कैसे हम धैर्यवान बने। और जो हमने अगर ठान लिया है कि वो हमें मिलेगा, हम उस पथ पर दृढ़ निश्चय से उस पथ पर चलते रहें, गिव अप नहीं करें और परिश्रम करते रहें जैसे माँ ने किया और शिव को, उस परमात्मा को पा लिया। तो हमें भी दोस्तों धैर्य बनाए रखना है। अगर हमें लग रहा है कि इस पथ पर जहाँ हम चल रहे हैं यहाँ पर बहुत चुनौतियाँ हैं, चुनौतियाँ आएंगी जीवन में, यही तो जीवन है, कभी ऊपर और कभी नीचे, पर उसके साथ हमें क्या बनाए रखना है वो है धैर्य। कि ये भी एक, मैं कहूँगी, फेस है लाइफ का, जीवन का, जो बीत जाएगा। आज हम ऊपर हैं तो कल शायद नीचे भी हो सकते हैं, और अगर आज हम नीचे हैं तो कल हम ऊपर भी ज़रूर जाएंगे। इसको याद रखना, और ऐसे अगर हम धैर्य को बनाए रखेंगे, हम हर एक चुनौती को पार कर सकते हैं जैसे माँ ने करी। और जैसे दूसरी अगर मैं बात करूं कि जो ब्रह्मचारिणी माँ है, ये है हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी हुई है। और स्वाधिष्ठान चक्र क्या है? हमारे इच्छाओं का चक्र। जैसे मैं एक आपसे कहानी बताऊं कि एक समय की बात है, एक नदी का तट था, वहाँ पे नदी बह रही थी, और वहाँ पे एक इंसान, एक मनुष्य पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था और नदी को देख रहा था। और वहीं पर एक और आदमी आता है, मनुष्य आता है, और वो दूर से उसको देखता है कि ये पत्थर पे ऐसे बैठा हुआ है और इतनी गंभीर सोच में है और सिर्फ नदी को देख रहा है, कहीं और उसका कहीं पे भी फोकस नहीं है, सिर्फ नदी को देख रहा है। 5 मिनट होते हैं, 10 मिनट होते हैं, 15 मिनट हो जाते हैं, वो इंसान तब भी नदी को ही देखता रहता है। उसके अंदर ये विचार आते हैं कि मैं ज़रूर जाऊँ और इससे पूछूँ कि भाई क्या हो गया, तुम इतनी गहराई में क्या देख रहे हो, नदी में कुछ गुम गया है, कोई चीज़ को तुम ढूंढ रहे हो, हुआ क्या है। उसे रुका नहीं जाता और वो उस मनुष्य की तरफ जाने लगता है और उससे पूछता है कि क्या हो गया, तुम इतने गंभीर तरीके से नदी को देख रहे हो। वो कह रहे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। कह रहे, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? कह रहे, मैं नदी के रुकने का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मैं दूसरी तरफ जा पाऊँ। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या बताती है? ये कहानी है हमारी इच्छाओं की। इच्छाएं भी नदी की भांति हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा आ जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी आ जाती है। इच्छाएं तो कभी ख़त्म होती नहीं है। जैसे नदी तो निरंतर बहती रहेगी, नदी तो कभी रुक नहीं सकती, पर हम अपने आप को ये दिलासा देते रहते हैं जीवन में कि जब मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तब मैं उस परमात्मा को जानूंगा, तब मैं अपने आप के साथ बैठूंगा, अपने आप से जुड़ूंगा। पर वो समय निकलता ही जाता है दोस्तों। ऐसे ही हमें अपनी इच्छाओं के होते हुए भी उस परम इच्छा पर पहुंचना है, और वो परम इच्छा हम सब का जो उद्देश्य है वो है अपने आप को जानना। और ध्यान सबसे बड़ा, मैं कहूँगी, उसमें योगदान देता है अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं ध्यान की ओर और माँ ब्रह्मचारिणी माँ की ऊर्जा को अपने भीतर विकसित करते हैं, प्रज्वलित करते हैं और उनसे जुड़ते हैं। आप सब एक सुख आसन में बैठ जाएं, अपने हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लें, अपने पैरों को क्रॉस कर लें। अगर आप में से किसी ने चश्मे पहन रखे हैं तो आप चश्मे उतार सकते हैं, और धीरे से, कोमलता से अपनी आँखें बंद कर लें। इस समय 3 गहरी लंबी श्वासें लें। नाक के द्वारा लेते हुए
एक क्षण मात्र के लिए उसे अपने भीतर रोके और मुंह से बाहर जाने दें। एक बार और आखिरी बार एक गहरा लंबा श्वास लेते हुए और मुंह से उसे बाहर जाने दें। अब अपना ध्यान अपनी आती जाती सरल कोमल श्वासों पर लगाएं। इन श्वासों के प्रति साक्षी भाव रखना है। श्वासें जैसी भी चल रही है उसे वैसे चलने दे, उसमें कोई भी बदलाव ना करें।
अपने आप को पूरी अनुमति दें इस शांति के समुद्र में गहरा उतरने की। धीरे धीरे आपका शरीर, आपका मन शांत होता जा रहा है। हर कोई ध्यान कर सकता है, हर कोई ध्यान साध सकता है। अपनी श्वासों के प्रति साक्षी भाव रखते हुए
धीरे धीरे हम एक शांति में और स्थिरता में गहरे उतरते जा रहे हैं। अगर इस समय कोई भी विचार आए, उन विचारों का आंकलन नहीं करना है, खुद का आंकलन नहीं करना है, सिर्फ रहना है अपनी श्वासों के साथ। जब हम अपने भीतर जगत के प्रति धैर्यवान बन जाते हैं, तो हम खुद ब खुद ही हमारा बाहरी जगत भी धैर्यवान हो जाता है। अपने भीतर जो भी चल रहा है उसके प्रति सब्र रखें, धैर्य रखें।
ध्यान हमें सहायता करता है धैर्यवान बनने में। जब हम एक समय पर ध्यान करते हैं, ध्यान बन जाता है तप। हम सब इन 9 दिनों में तप कर रहे हैं। Thank you.
इस तप को हमें धैर्य से करना है। जब हम जागरूक होते हैं अपने श्वासों के प्रति, हम खुद ब खुद ही इस तप में विलीन होने लगते हैं, शून्य होने लगते हैं, अपने आप को पूरी अनुमति दें इस शून्यता में विलीन होने की। Thank you.
इस शून्यता में उतरते हुए अपनी भौतिक इच्छाओं को विलीन होने दें। और एक ही शुद्ध इच्छा होनी चाहिए हमारे भीतर, उस परमात्मा को पाने की। उस परमात्मा से जुड़ने की। जब हम इस शुद्ध इच्छा को अपने भीतर रखते हैं, हम अपने आप ही धैर्यवान बन जाते हैं। और देखें कि धीरे धीरे आपके भीतर मां ब्रह्मचारिणी की चेतना प्रज्वलित हो रही है। उनकी चेतना के साथ अपने आप को पूरी तरह से जोड़ ले।
देखें कि जब आप धैर्यवान बन जाते हैं, आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। इस समय आप देखें कि आपको अपने जीवन में धैर्य कहाँ लाना है। क्या किसी वस्तु के प्रति धैर्य लाना है या किसी व्यक्ति के प्रति धैर्य लाना है या किसी परिस्थिति के प्रति धैर्य लाना है। जब आप अपने जीवन में यह धैर्य लाएंगे तो आप स्वागत कर रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी की चेतना को अपने जीवन में। Thank you.
देखिए कि आपके शरीर के हर एक कोने में, हर एक हिस्से में, हर एक कण में माँ ब्रह्मचारिणी की चेतना प्रज्वलित हो गई है पूरी तरह से। अपने आप को पूरी तरह से केंद्रित करें मां की इस चेतना में। आराम करें मां की गोद में।
आखिरी 2 मिनट। अपने आप को पूरी तरह से आप केंद्रित कर चुके हैं मां की चेतना में। आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे हम वापस आते हुए अपने साथ इस सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आते हुए, अपने अनुभवों को लेकर आते हुए, हम अपनी चेतना में पूरी तरह से केंद्रित होते हुए जब भी आप तैयार हो, धीरे धीरे अपने पांव की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, आसपास के वातावरण को पूरी तरह से महसूस करें, आवाज़ों को, ध्वनियों को सुने, और जब भी आप तैयार हो धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को खोलें और अपनी हथेलियों को अपनी आँखों पर रखें कुछ क्षण के लिए। और जब भी आप तैयार हो धीरे से हाथ हटाएं, आँखें खोलें एक मुस्कुराहट के साथ। तो दोस्तों, आज का दिन है ब्रह्मचारिणी माँ का, और आज हम पूरा दिन जागरूक रहेंगे कि माँ ने हमें क्या सिखाया है। माँ ने हमें सिखाया है धैर्यवान बनना। तो आज जीवन में जो भी परिस्थिति आए, कोई व्यक्ति आए, जब आपको लगे कि कुछ ठीक नहीं है, तो अपने आप को याद दिलाएं कि मैं धैर्यवान हूँ, मैं धैर्य से हर परिस्थिति को पार कर सकता हूँ। तो यही मेरी कामना है दोस्तों, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, धैर्यवान बनते रहें। और इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर हम मिलेंगे, ध्यान करेंगे, माँ की ऊर्जा को अपने भीतर प्रज्वलित करेंगे। और आज भी आप जितना हो सके आप ये ध्यान को दोबारा सुन सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ताकि आप माँ ब्रह्मचारिणी की चेतना को अपने भीतर और विकसित कर सकें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान में जुड़ने के लिए।